इतना पानी, आगे देख रहे हो इतना पानी। उस चाचा को देखो कैसे वो इतनी स्ट्रगल करने के बाद रिक्शा चला रहा है। बस गई, पूरी की पूरी बस ही चली गई अंदर, पूरा टायर ही चला गया बस का, देख रहे हो सारी बस गई बेचारी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सब देख रहे हैं परमिंदर व्लॉग। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ तुम सारे खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस आज सुबह से मतलब बारिश आ रही है और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि गली में पूरा हुआ बाढ़ आ गई थी। बाढ़ नहीं आई थी, सॉरी पानी भर गया था। तो गाइस मम्मी पापा ने फरमाइश रख दी कि सुबह सुबह बना हक्का नूडल्स, मैगी बना सुबह सुबह, मैगी पकौड़े। तो सुबह सुबह मैं ये बना रहा हूँ यार, देखो ये सिंपल इसे आटा मैगी है। तो आज का सबसे बेस्ट जो बताऊँ, पापा ने मुझे क्या बोला, पापा ने मुझे बोला तू मैगी बना लेता है, बनाने आती है। मम्मी को बोले थे, मम्मी को बोले थे कि जाके बना। मैंने बोला था मैं बनाऊंगा मैगी। कह रहे नहीं तुझे आती है मैगी बनाने। मैंने बोला भाई क्या हद हो गई, मुझे मैगी नहीं आती और मैं मैगी बना रहा हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है आपका 9 बज चुके हैं और सुबह सुबह 9 बजे सारे मैगी खाएंगे। तो सुबह 9 बजे सारे मैगी खाएंगे और मैगी तैयार होने वाली है। तो अभी बस मैगी तैयार होने वाली है, डाल देते हैं सारी की सारी अंदर, फेंक देते हैं सारी के अंदर। वो वेट, मम्मी कह रही है नमक डाल लेना एक्स्ट्रा। वाह, मेरे को तो पता ही नहीं था ना कितनी मैगी बनाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही है। ले भाई, तीसरी भी गई अंदर, ठूस दे भी अंदर। ऐसे बोल रहे हैं सारे से मुझे मैगी बनाने नहीं आती यार, हद हो गई है यार। कितनी बेइज्जती वाली बात है मेरे ऊपर, सारी की सारी डुबो डुबो के बना। ये नहा ले जाके, जा 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 नहा ले। तो गाइस मैगी तैयार होने वाली है, ठीक है। और आज तो सुबह सुबह यार मज़ा आ गया, इतनी तेज़ बारिश आ रही थी बाहर, इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, सारा का सारा घर भी गीला हो गया और सब कुछ गीला होता जा रहा है। ओ भाई, हाँ भाई आटा नूडल्स है ना, ये आटे वाले नूडल्स है ना, तो आटे वाले को लेकर आए हो। वाई आर यू नॉट मैगी लेकर आएंगे। आसाराम नहीं है, रामदेव है बाबा। आसाराम तो पता नहीं कहाँ गया। ओ भाई मैगी का कलर कितना बेकार होता जा रहा है, अभी तो सारा मिक्सअप करना है यार। तो गाइस इसको फटाफट बना देते हैं हम, ठीक है, और बना के ना तैयार करते हैं। तो मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता गाइस, सही बता रहा हूँ, मेरी रेसिपी सबसे अलग है, ठीक है। तो मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, देख ही सकते हो। लेकिन इसमें ये भी मैंने बहुत सारा मिक्स करना है, बहुत कुछ मिक्स करना है, ठीक है। तो सब कुछ मिला लेता हूँ फिर दिखाता हूँ मैगी का कलर। सिंपल सा मैगी मसाला तो डालने में ना यार, इसका टेस्ट आता है बट इतना ज़्यादा नहीं आता। जो आटा नूडल्स होते हैं ना, उसका मैगी मसाला कुछ अलग तरीके का ही होता है, वो मैगी मसाला लगता है नहीं मुझे किसी भी एंगल से, इसका तो अलग ही लगता है सिस्टम ही। सारा डुबो के हो रहा हो सारा मैगी मसाला। इसका इससे थोड़ा कलर चेंज होता है यार, देख रहे हो, थोड़ा डार्क सा हुआ है। तो अंदर वो सारे काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, और मैं आराम से मैगी बना रहा हूँ तीनों के लिए। बनने वाली है, बस थोड़ा सा और रह गया, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। उसके बाद गाइस यार मेरे को, और मैंने ना कल सुबह मैगी बनाई थी, वो पूरी की पूरी जलानी थी क्योंकि मैंने वो ना गलती से कुकर में बना दी थी। तो इसलिए पापा बोल रहे थे मुझे आज कि तुझे मैगी बनाने आती है। तो मैंने ना कल एक्सपेरिमेंट करा था, वो वीडियो बना रहा था मैं, लेकिन मैं फिर ना उसको डालने के बाद वीडियो बनाना भूल गया। तो मैं एक्सपेरिमेंट भी करना भूल गया और फिर मैं वीडियो भी बनाना भूल गया और कुकर में मैगी बना दी थी मैंने, और सारे सड़ गई है ना। यह आ गया मैगी खाने के लिए भाई, थोड़ी देर में भाई पकोड़े खाकर आ रही है और अब मैगी खाया। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। ओ मेरे भाई, तेरा भाई क्या तेज जिंदगी मेरी तुझ में थमाए। कौन सी जिंदगी संभाली हुई तेरे अंदर? इसकी फोटो छप रही है, देखो बचपन की फोटो, बचपन की फोटो। जाता tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away फाइनली मैगी तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह 9 बजे हम सारे मैगी खा रहे हैं, पापा मम्मी सब मैगी खा रहे हैं। पापा देखो लगे हुए हैं आराम से। पापा मुझे बोला था मैगी बनाने नहीं आती है, तो पापा बोला था मुझे मैगी बनाने नहीं आती है मेरे को। अब टेस्ट करके देखते हैं मैगी कैसी बनाई है मैंने। मैगी है क्या बोल रहे हो? मैगी है ये तो? क्या है ये? मेरे को तो चाउमीन दिख रही है। तो चाउमीन ही खा लो तुम। हाँ। चाउमीन दिख रही है, खा के देखो, टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। आप भी खा लो मेरी मैगी। कैसे तो पहले पापा को टेस्ट करने देते हैं। इतनी लंबी लंबी है, कैसे खाऊं? ऐसे मुंह से। गरम गरम मैगी है, आराम से खा लो। कैसी बनी है? है? मेरे को नहीं अच्छी लगती है। क्या बोल रहे हो? क्या स्वाद बनी है? स्वाद बहुत टेस्टी है। ये बेइज्जती की जा रही है पापा की तरफ से। मेरे को पापा की शक्ल देख के पहचान सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिली मैगी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा चिली मिर्च में बहुत ज़्यादा डाल दिया था। मिर्च बेचारे पापा का हाल बहुत बेहाल है, लेकिन खाने में लगे हैं। ठीक है, देखो अभी भी खाने में लगे हैं। अच्छी तो लगी है नहीं, लेकिन बोलेंगे नहीं बेकार है ना। हाँ, चीनी डाली है। चीनी? क्या बोल रहे हो? चीनी कह रहे, चीनी डाली है मैंने। हद हो गई है, चीनी कौन डालता है मैगी में? कह रहे चीनी डाली है। चीनी डाली है भैया, ले मजे। हाँ, मुझे पता नहीं है। तो भाई यार, तुम सब भी मैगी टेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिली सॉस डाली है मैंने। और पापा बोल रहे चिली डाली है, चिली सॉस डाली, चीनी डाली बोल रहे हैं। दो भैया, तो भाई मैंने तो इतनी सारी ली है क्योंकि मुझे वैसे टेस्टी लगती है। तो मैं तो टेस्ट मैगी खा लेता हूँ, और मैंने बनाई भी अपने तरीके से क्योंकि मुझे खानी थी। इनको तो मैंने टेस्ट करवाया। तो गाइस, पहले मैं खा लेता हूँ, फिर दोपहर को ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और सुबह का भी नहाने के बाद ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। टेस्ट करके बता, अब देखते तेरे को कैसे लगती है। चल टेस्ट कर, देखता तो ऐसा पता नहीं कौन सा चिली पनीर खा रहा हूँ। कैसी लगी है? हैं? तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, रिपोर्टर नहीं हूँ मैं आपका कोई। आप ऊपर मुँह करके भी बोल सकते हो कैसी लगी है आपको। आथू अभी रुको, प्लेट कर दीजिए। आथू लगी है ना? इतनी अच्छी तूने कभी जिंदगी में नहीं खाई, बड़ा आया। गाइस यार, मैं ना बाहर, पता है मैं आया था बाहर, और बाहर आके देखा तो यार इतना सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। देख रहे हो इतना सारा पानी भरा हुआ, घुटनों घुटनों इतना। अभी दिखाता हूँ, बस डूब गई। तो गाइस देख सकते हो आप, पूरी की पूरी ना बस डूब चुकी है यहाँ पे। और पानी देख रहे हो कितना भरा पड़ा है यहाँ पे। हाँ भाई, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बस वाले को दिख भी रहा था कि आगे नाला, लेकिन फिर भी उसने घुसा दी। देख रहे हो ड्राइवर ने अंदर बैठ के ना बीड़ी पी रहा है आराम से। मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही है भाई, क्या ही बोलूँ। पे हर तरह का बर्ड देखा जाता है, लेकिन यार मैं यहाँ पे फूड वगैरह देने आता हूँ बर्ड्स को रोज़। आपको पता ही होगा, रोज़ मैं देने आता हूँ। तो यहाँ पर ना मतलब आज सुबह इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि इस वजह से यहाँ ना मेरे सारे बर्ड्स इतने ज़्यादा भूखे हो रखे हैं, और सुबह से इनको कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा, क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी लोग नहीं आ पाए यहाँ पे खाना वाना देने। लेकिन मैं वहाँ से सफ़र करता हुआ, इतना पानी में घुटने सफ़र करता हुआ, लेकिन मैं फिर भी इनके लिए आया। यार मुझे बहुत ज़्यादा आज एकदम फील हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है मुझे इनके लिए। देखो कितना अच्छा उड़ रहे हैं। और काफ़ी मैं कल भी आया था इस जगह पे, आपको पता होगा, स्टेडियम के वहाँ पे आता रहता हूँ मैं, और मैं डेली आता हूँ। बट मुझे आज इतना अच्छा लग रहा ना, मुझे कभी ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यार क्योंकि पूरी दीवार जो है ना, मैंने कभी दिखाई थी पिछले वाली वीडियो में, तो यहाँ पर पूरी दीवार पर ना मतलब कोई भी बर्ड नहीं, इतने सारे सामान, खाने पीने का सामान डाला रहता है ना, नमकीन और बाजरा और गेहूँ सब कुछ डाला जाता है। लेकिन आज पूरी दीवार सुनसान है, कोई मतलब यहाँ पे आया नहीं सुबह, और कोई किसी ने कुछ नहीं डाला। तो यार ये भूख से पक्षी जाना सारे देख रहे थे मुझे ही कि कब दाना डालूंगा मैं और कब ये खाने आएंगे। और यार देखो, लाइन से आगे से लेकर पीछे तक सब खाने में लगे हैं। पता है इतना अच्छा लगता है देख के कि क्या ही बोले। और आज कोई भी नहीं आया था यहाँ पे, सिर्फ मेरे अलावा और कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो आज सारी दीवार मैंने क्लीन कर दी, सारी दीवार करके सारा खाना डाल दिया, और इतना अच्छा लग रहा है। सारे खा रहे हैं बैठ के, वहाँ पे भी सब खा रहे हैं, वहाँ पे सारे आगे कौवे वगैरह सब खा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और आगे भी दिखाता हूँ, आगे अगर कबूतर खा रहे होंगे, जहाँ मैंने चावल डाले थे तो वहाँ पे कबूतर भी खा रहे होंगे, आगे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो दो तीन तो यहीं खा रहे हैं, देख रहे हो। If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, thoughts, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me, ain't no guys, देख रहे हो इस गिलहरी को, देखो कितनी क्यूट लग रही है बिस्कुट खाती। वाओ कितनी क्यूट लगती है यार गिलहरी खाती है, देख रहे हो कितनी क्यूट लग रही है। आराम से खा रही है, इतना जूम करा है मैंने तब जाके ऐसा दिख रहा है, कितना आराम से बिस्कुट को हाथ में पकड़ के। और गाइस देख रहे हो वहाँ पर तोता वगैरह भी आ चुका है, तोता भी खा रहा है आराम से चावल। तोते को चावल बड़े पसंद लगते हैं, मिर्च लाया था इसके लिए लेकिन इसको मिर्च भी बड़ी पसंद है, चावल भी खा रहा है हाथ में फंसा फंसा के। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बेचारे सुबह से भूखे थे यार, क्योंकि इनके लिए कोई भी खाना नहीं लेकर आया, हर बार कोई ना कोई आता रहता है। और वहाँ देख रहे हो दूर कबूतर, मैंने वहाँ भी चावल डाले थे तो वहाँ भी कबूतर आराम से खा रहे हैं, कितना अच्छा था। अभी दिखाता हूँ, पूरी सड़क पर खा रहे होंगे, मैंने वहाँ पूरी सड़क पर ना खाना डाला था, तो वहाँ पर मैंने पूरी सड़क पर डाला था और वो भी दिखा देता हूँ वहाँ पर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो कितने आराम से खा रही है यार, कितनी क्यूट लग रही है, देख रहे हो आराम से हाथ में पकड़ के खा रही है। सारे आके बैठ गए, देखो ये देखो सारे आके बैठ गए और आराम से खाने लग गए, देख रहे हो। क्योंकि मैंने बोला था ये मेरे सिर्फ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं जाऊँगा तुरंत ही खाने बैठ जाएंगे, देख रहे हो कितना अच्छे से खा रहे हैं। और दो चार ऊपर बैठे हैं यहाँ पे आराम से, और वहाँ पर तो सारा झुंड लग के खा रहा है मस्त, देख रहे हो। मैंने बहुत ज़्यादा जूम करिएगा, देख लो इतना पीछे से, इतना यहाँ से जूम कर रहा हूँ मैं, और सोचो कितना जूम करिए मैंने, देखो देखो कितनी जूम करिए तब जाके ऐसा दिख रहा है। इतना जूम करने के बाद देख रहे हो ऐसा लग रहा है बिल्कुल DSLR की कॉपी है बिल्कुल है, लेकिन बस उसमें थोड़ी क्लैरिटी होती है, बट मेरे में जूम करने के बाद क्लैरिटी नहीं आती। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's. तो गाइस यार घर पे आने के बाद तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कहाँ कौन से भूत बंगले में आ गया मैं। लाइट ही चली गई है सिर्फ और एक, सिर्फ एक मोमबत्ती नज़र आ रही है। मेरी शक्ल तो आज बिल्कुल भी आने की नहीं है। और पीछे एक अजीब सा अनोखा एक जानवर खड़ा है, कहाँ गया है? तो ये रहा अनोखा जानवर हमारा, जो कि फ्लैश लाइट दिखाने के बाद ही दिखेगा। शक्ल देख इसकी, फोटो खिंचवाई थी पता है, वो फोटो मैं दिखाऊंगा। भाई कैंडल की जो शेडो आ रही ना घर पे आके मस्त। तो फाइनली गाइस यार लाइट आ चुकी है, और इतनी मतलब दोपहर को मैं वहाँ पे गया था ना दोपहर को, तो शाम को लाइट आई है। तो शाम को लाइट आने के बाद यार बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा भी लग रहा है। और मम्मी मेरे को देख रही है पता नहीं क्यों घूर घूर के, उनको सारे देखते रहते हैं घूर घूर के। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। और रोज़ डेली ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना आज की वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि मैंने आज इतना कुछ किया यार है ना, तो अच्छा तो लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को है ना। तो वीडियो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना न्यू हो चैनल पे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमारे डेली ब्लॉग आते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, आई लव यू ऑल।